बेबात अंदाज, बेखौब जुबान, मेवात आजता। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वसीम खान और इस वक्त देख रहे हैं आप मेरे साथ मेवात आज तक। चलिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, इस वक्त मेरी मौजूद किया फरीदाबाद जिले के दोहज गांव में। दोहज एक बहुत बड़ा गांव है, आपको दिखा देते हैं इधर की तरफ। कैमरामैन से कहना चाहते हैं जो ये है, ये बिल्ला कॉलोनी और ये टीगरी खेड़े गाँव की तरफ रास्ता जा रहा है। चलिए दोस्तों, हमारे साथ दोहज गाँव के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं इनकी क्या परेशानी है। जी, क्या नाम है सर आपका? जी बताइए, क्या परेशानी है आपकी? जी यार, रास्ता से ज्यादा परेशान हो रहे हैं हम। ना तो हमारी सरपंच सुनाई कर रहा, ना मेंबर सुनाई कर रहे, ना कोई भी सुनाई ना कर रहा। कम से कम यह हो गए 2-3 साल इतनी परेशानी भुगत रहे, बहुत ही ज्यादा परेशानी भुगत रहे हैं जी हम। पर इसके कोई सुनाई नहीं हो रही है, इसका हमने आपको बुलाया, इसलिए बुलाया है। या दिखाओ रहे सरपंच जन पे होगा कार्रवाई और ये रास्ता की समाधान करें। देखिए, इन्होंने कहा है कि जो ये रास्ता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये एक नाला है जो दोहज की तरफ से आते हैं, जब हम फतेहपुर की तरफ से आते हैं तो एक नाला पड़ता है रास्ते में, जब दोहज में घुसते हैं तो उसी का ये पूरा जॉइंट है जो आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन ये किसी की प्लॉट है, इसका पूरी तरह से एक पोखर यानी कि तालाब बन चुका है। देख रहे हैं आप जलकुंभी इसमें किस तरह से हो रही है, जिसे खाबूला कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आदमी क्या, इसमें अगर जानवर भी नहीं निकल सकते, इस तरह से इस रास्ते का हाल हुआ पड़ा है। और इन्होंने कहा है कि हमने सरपंच से हर प्रकार की गुहार लगाई है, लेकिन सरपंच हमारी कोई नहीं सुन रहा है। कहना चाहते हो जी, अंकल जी बताइए जी। अरे यार, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए जी। हाँ, सरपंच आपने इसलिए चेंज किया था नया कि जो हमारी परेशानी सुनी जाए? आके देख के चला जाता है जी, कुछ भी नहीं करता वो। अच्छा, सरपंच कुछ नहीं करता? नहीं करता जी। अच्छा, सब पूरे जितने भी जिम्मेदार आदमी पूरे गाँव वालों से कह लिया, कोई इसकी सुनवाई नहीं करता है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा जी। तो आप क्या कहना चाहते हो? अब हम ये कह रहे हैं जी, हमारी जो भी हो समस्या है इसका हल हो जाए। दोस्तों देखिए, इस तरह से कोई लोग निकल सकता है इस पानी में से, आप भी देखते हैं क्या बच्चे निकल सकते हैं इसमें। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता तो कौन जिम्मेदार होगा? आइए लोगों से जान लेते हैं। यहाँ हमारे साथ और भी लोग मौजूद है जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? शमसुद्दीन जी। बताइए जी, आपको क्या परेशानी है? अब ये परेशानी भाई, ना तो निवाजी आदमी परेशान जी, जनानी गिर गिर के मरे जी हमें। अच्छा जी, ना जनानी ने निकला जा, ना बच्चे ने निकला जा, ना कोई निकला, ना कोई बच्चे भी स्कूल जाते हैं, बड़ी परेशान से। अच्छा, स्कूल के लिए जब बच्चे जाते हैं और कोई रास्ता नहीं है? मेन रास्ता है इसका, इस रास्ते के लिए, मेन रास्ता यही है घरों के लिए। बच्चे पानी में निकल के जाते हैं। अच्छा, और निवाजी आदमी नहीं निकलते, निकल के जाते। निवाजी को इतनी परेशानी हुई है, बहुत परेशानी हुआ। अच्छा दोस्तों, आपके लिए बता देते हैं, अभी कुछ दिन पहले यानी कि 25 नवंबर को इलेक्शन हुए थे, कहाँ पर? फरीदाबाद जिले में, हरियाणा में, 3 चरणों में इलेक्शन हुए थे, जिस हिसाब से कि लोगों ने अपना सरपंच नया चुना था कि हमारी समस्या सुने। लेकिन सरपंच बनने के बाद भाई सरपंच नहीं सुनता, कुछ भी नहीं सुनता। सरपंच को कई बार दिखा लिया, ये सरपंच को दिखा लिया कई बार, मेंबरों को क्या बोलता है सरपंच? कहाँ कराएंगे कराएंगे, बस ऐसे देख के चले जाते हैं। कब कराएंगे, कब कराएंगे सरपंच साहब, या क्या आप कब जवाब दोगे आप? जब एक आदमी मर जाएगा ना, जब। अच्छा जी, कोई बच्चा को डूब के मर जाएगा इसमें, जब कराएंगे वो भैया। आपको एक चीज दिखाते हैं, यही देखिए, एक तो ये रहा खम्मा, ठीक है, कुछ नहीं पता, तार निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, पानी से टच है, ठीक है। एक खम्मा वहां पर है, अगर कोई तार टूट के गिर जाए, किसी बच्चे को नहीं पता, पानी में डल जाए, पता कितनों की मौत होगी, कितना बच्चों को आने जाने के लिए, स्कूल के बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। बताइए सरपंच साहब, इसका कब जवाब दोगे? जहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कहते हैं कि हम फरीदाबाद को एक स्मार्ट मॉडल सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन जब तक सिटी कैसे बनेगी, जब तक गाँव ही नहीं बनेंगे, जब गाँव की गली नहीं बनेगी। ये इसी गाँव की नहीं, हर गाँव की समस्या है, हर गली की समस्या है। सरपंच बनने के बाद अपनी कोठियों में क्या करते हैं, रस्ते वस्ते तो कुछ बनते नहीं है, पहले होती उनकी झोपड़ियाँ, झोपड़ियों के बाद क्या होता है, उनको बना लेते महल, महल उसमें पंखों की संख्या बढ़ जाती है, पिलंगों की संख्या बढ़ जाती है। गरीब आदमी उनके चौखट पे जाने से डर लगता है कि सरपंच कहीं मुझसे कुछ कह नहीं दे। चलिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देते, हमारे साथ दोहज की महिला कुछ जुड़ी है जो इस कॉलोनी में रहती है। दिखाइए एक बार इस गली को, हम आपको बेर बेर में दिखाएंगे। इसकी महिला हमारे साथ जुड़ी जी, क्या नाम है जी आपका? बतून। बतून जी, ये बताइए आपकी क्या परेशानी है? ये पानी की परेशानी, पानी में निकलो अपना जो हम बालक बता मोदी। अच्छा, ये बताओ सरपंच आवे मतलब को हसी पे, तो आपने सरपंच से बोलो तो इस चीज के बारे में, बुतेर पर बुला लियो। तो सरपंच क्या बोलते हैं इसके बारे में? क्या बोले, सुनाई ना करे वो हमारा, क्या कहता है? क्यों कह मैं ना सुनूं, मेरा मतलब निकल गया। अच्छा, वोट का मतलब निकल गया, ये कहता है
सरपंच खुद बोलता है। हाँ, सरपंच खुद बोले है। तो सरपंच से क्या कहना चाहते हो आप? हम तो नहीं चाहे रास्ता साफ होना चाहिए और बनना चाहिए, नहर खुदनी चाहिए और नहर जो ना जारी नहर भी खुदनी चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देते जिस जगह पर हम खड़े हैं ये एक नहर नाला, आपको पहले भी बताया था ये एक नाला है जिसकी कोई खुदाई नहीं हुई है। जिस प्रकार से जो गांव का पानी है वो इस जो एक कॉलोनी है उसका पूरा पानी इस रास्ते में भर रहा है, लेकिन वो आना चाहिए नहर है, यानी कि नहर एक नाला है छोटा सा जो 9 फुट या 49 फुट का बताया जा रहा है, उस हिसाब से उस वो खुदना चाहिए। और देखिए किस प्रकार से किसी की प्लॉट में पानी भरा पड़ा है, पानी देखिए देख रहे हैं आप, देखिए बताइए जी। और क्या कहना चाहते, क्या नाम है जी आपका? सायरा। तो क्या कहना चाहते हो जी? ये कहना चाहते हैं गंदगी साफ होनी चाहिए। अच्छा। और जैसे सब जगह सुविधा हुई पड़ी है नाली की, इस तरह की यहाँ भी होना चाहिए, बच्चों को परेशान। जिस प्रकार से जो गांव का पानी है वो इस जो एक कॉलोनी है उसका पूरा पानी इस रास्ते में भर रहा है, लेकिन वो आना चाहिए नहर है, यानी कि नहर एक नाला है छोटा सा जो 9 फुट या 49 फुट का बताया जा रहा है, उस हिसाब से उस वो खुदना चाहिए। और देखिए किस प्रकार से किसी की प्लॉट में पानी भर रहे, भरा पड़ा है पानी देखिए देख रहे हैं आप, देखिए बताइए जी। और क्या कहना चाहते, क्या नाम है जी आपका? सायरा। तो क्या कहना चाहते हो जी? ये कहना चाहते हैं गंदगी साफ होनी चाहिए। अच्छा। और जैसे सब जगह सुविधा हुई पड़ी है नाली की, इस तरह की यहाँ भी होना चाहिए, बच्चों को परेशानी भी है, गंदगी भी है, बूढ़े लगा रखे हैं सरपंच ने, वो इस कॉलोनी में भी लगनी चाहिए, इस कॉलोनी ध्वज में ही लगती है, पानी को निकाल होना चाहिए, उठते नहीं और जब सफाई से बननी चाहिए, नाली देनी चाहिए। ये तो बीमारी का कारण है एक प्रकार से, आप क्या कहना चाहते हैं? कोई बच्चा बीमार तो नहीं हुआ आपका? बीमार हो पानी की समस्या ही है, इस तरीके सारे काम कर जाते, भरे दवा से इलाज करवाया। देखिए दोस्तों जो ये बताया जा रहा है कि ये जो इसकी मम्मी है इसके पैरों को दिखा रही है बच्चे, ये इसी पानी में अगर निकलता है ये बच्चा, और जो ये बताया जा रहा है इसके पिता बेचारे बच्चे के पिताजी भी नहीं है, ठीक है ठीक है। और देखिए इनके पैरों में दिखा है, कहाँ से इलाज कराएगा अगर इनके बच्चे बीमार होंगे? लोगों पे 2 वक्त की रोटी कमानी मुश्किल हो रही है, ये बता रही है कि हमारे रोजी रोटी तो जुड़ती नहीं, उसके इलाज को पैसे कहाँ से लाऊंगी, गरीब आदमी हूँ मैं। एक चीज बताइए, हम आपको बताते हैं कि इनका कहना है कि हमारे पति इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत अदा फरमाए, ठीक है। आपको बताते हैं कि ये कहते हैं कि इनके बच्चों के बहुत ज्यादा पैर खराब हो गए इस पानी को, जैसे आपको मैंने दिखाया भी है, ये कहते हैं हम 2 वक्त की रोटी कैसे कैसे जुटा पाते हैं, लेकिन हम इन बच्चों का इलाज कहाँ से करें? क्या सरपंच जी आप इलाज करवाओगे? जब आप इस गली को नहीं बनवा रहे तो क्या आप इनके बच्चों का इलाज करवाओगे? दोस्तों आपने देखा और सुना, मैं इस वक्त मौजूद था दोहज गाँव में, लोगों की समस्या थी, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। मैं सरपंच से ये विनती करता हूँ कि आप इन लोगों की समस्या को जरूर सुने, आप इनके समाधान करें, इनकी परेशानी का हल करें, ठीक है। आप देखते रहिए मेरे साथ मेवात आज तक, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, धन्यवाद। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें, तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।